गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. टुडे आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू लेसन नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. लेकिन इससे पहले ए टाइगर इन द जू के बारे में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जिसको कि तुम लोग खुद प्रिपेयर्ड कर सकते हो पढ़ाई के आधार पर, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से, इसलिए इसे बनाना अवश्य ही होगा. तो पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज ही. बाघ पिंजरा में कैसे टहलता है, वह कैसा है. हाउ इज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज ही, और वह कैसा है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक, वेयर शुड द टाइगर बी. कवि क्या सोचता है कि बाघ को कहाँ होना चाहिए, यानी कि कवि के अनुसार बाघ को कहाँ होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स. बाघ कैसे गांववासी को भयभीत करता है. हाउ इज द टाइगर इन द सेल, सेल में बाघ कैसा है. हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर, वह कैसे आगंतुक से प्रतिक्रिया करता है. हाउ इज द टाइगर इन द सेल, सेल में बाघ कैसा है, और वह जो आगंतुक जाता है उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करता है. हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट, बेचारा बाघ रात्रि में कैसा व्यवहार करता है, क्या करता है. एंड द लास्ट लेसन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम विल बी, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव. इन सभी क्वेश्चन को आप लोग निश्चित रूप से तैयारी करके और रखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. कुछ और अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो देखिए, हाउ डज द टाइगर लिव इन द केज, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट डज द पोएट मीन टू से थ्रू द पोएम. इतना कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस लेसन की तैयारी हो जाएगी. अब मैं आपको उड़ने की दो कहानी के बारे में परिचय करा रहा हूँ. पहला कहानी है कि एक सीगल जो है वह उड़ने से भयभीत होता है, वह बहुत डरता है. तो प्रश्न है कि क्या वह अपने भय पर विजय प्राप्त किया. दूसरा फ्लाइंग का कहानी है, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट जो है वह एक तूफानीमय बादल में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है. हु हेल्प्स हिम, और उसे मदद कौन करता है. तो हम पहले कहानी पर डिस्कस करते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज, एक छोटी समुद्री चिड़िया अपने चट्टान पर अकेली थी, शिला फलक पर अकेली थी. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई और उसके बहन
पहले ही एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। उसके दो भाई थे और बहन थे जो कि एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। वह उन लोगों के साथ उड़ने में डरती थी। ही हैड बीन एफ्रेड, वह भयभीत होती थी उन लोगों के साथ उड़ने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी प्रकार, जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई, Somehow, he had taken a little run forward to the brink of the ledge. जैसे ही उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ा सा दौड़ लगाया and attempt to flap his wings, और प्रयास किया अपने पंखों को फड़फड़ाने का, he became afraid, वह भयभीत हो गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea, समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव, stretched down beneath, जो कि नीचे बहुत दूर तक फैला हुआ था। It was such a long way down. यह इतना लंबा रास्ता था मीलों तक। यह जो था नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था मीलों नीचे बहुत लंबा रास्ता था। He felt certain that his wings would never support him. उसे निश्चित रूप से उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है कभी उसकी सहायता नहीं करेंगे। He felt certain that his wings would never supported him. उसने महसूस किया कि उसका पैर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। So he bent his head and ran away back to the little hole. इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और वापस चला गया अपना छोटा सा जो छिद्र था उसमें, अंडर द लेज, शिला फलक के नीचे, चट्टान के नीचे एक छोटा सा छेद था उसी में चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर कि वह रात्रि में सोया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके प्रत्येक भाई और उसके छोटे बहन, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंख जो थे स्वयं खुद से बहुत ज़्यादा छोटे थे, रन टू द ब्रिंक, किनारे पर दौड़ा। ब्रिंक मतलब होता है किनारा। छोटे जो भाई था उसके पंख उससे भी छोटा था, लेकिन फिर भी वह किनारे तक गया। रन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह हिम्मत को बटोरने में असफल हो गया, साहस नहीं जुटा सका। टू टेक दैट प्लंग, वह जो है अपना एक प्लंग लेने के लिए। प्लंग मीन्स होता है, टू प्लंग मीन्स होता है डुबकी लगाना। अपना डुबकी लगाने के लिए वह जो है
हिम्मत नहीं जुटा सका, विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो कि उसको बहुत ज़्यादा चिंतित मालूम हुआ कि वह तैरने में डुबकी नहीं लगा सका, वह तैर नहीं सका। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम सीरियली, उसके माता और पिता चारों ओर आए और उसे कर्कश आवाज़ में बुलाया, कॉलिंग टू हिम सीरियली, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मीन्स होता है फटकारना, डांटना, उसे डांटते हुए, थ्रेटनिंग धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार, भूख मरने के लिए, ऑन हिज लेज, उसके शिला फलक पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह उड़ता नहीं है तो उसको डांटते हुए धमकी दिए कि तुम वहीं पर रह करके और भूखे मरो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन के लिए वह नहीं उड़ सका, वह नहीं हिल सका। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वह मूव नहीं कर सका। दैट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come near him. 24 घंटा हो गया जब से उसके पास में कोई नहीं आए। 24 घंटा का समय बीत गया था लेकिन उसके पास कोई नहीं आए थे। The day before, all day long, he had watched his parents. The day before, मतलब पहले से ही दिन भर वह अपने माता पिता को देखता था, flying about with his brothers and sisters, जो कि अपने भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे, perfecting them in art of flight, और उन लोगों को उड़ने की कला में परिपूर्ण बना रहे थे, teaching them how to skim the waves and how to dive, teaching them how to skim, skim means होता है धरातल से ऊपर उड़ना, skim the waves, किस तरह से तरंग से धरातल के ऊपर उड़े, and how to dive for fish, और कैसे मछली के लिए गोता लगाएं। He had in fact seen his older brother catch his first hearing. उसने सचमुच में देखा था अपने जो ओल्डर बड़ा भाई था उसको हियरिंग पकड़ते हुए। हियरिंग कहते हैं एक प्रकार की मछली होता है। हियरिंग मीन्स एक प्रकार की मछली होता है, हिलसा मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए। और अब इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।